एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज हम यहां पे टॉपिक डिस्कस करेंगे लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशंस। जो हमारी डिस्पेंस्ड मेडिकेशन होती है उनकी लेबलिंग किस तरह से हम करते हैं, इसको फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आपका जो टॉपिक चल रहा है आपके कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चल रहा है, जो कि आपके डिफार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू नीट सिलेबस। इसमें हमारी थर्ड यूनिट हमने स्टार्ट की थी, जिसके कुछ वीडियो लेक्चर पहले हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन हमारा क्या होता है, लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, क्या एक तरह से लीगल प्रिस्क्रिप्शन हमारा होना चाहिए, साथ ही में हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो उन वीडियो लेक्चर को आप पहले देख लीजिए, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आपने देखे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। और देखिए, लेबलिंग वाला जो हमारा मसला है थोड़ा आगे डीपली हमें देखने को मिलेगा। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरीके समझ लेते हैं लेबलिंग हमारी क्या होती है, जिससे जो ये हमारा टॉपिक है और जो हमारे आने वाले टॉपिक है हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जाम में आपके लेबलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको जरूर रखा हुआ मिलना ही है। तो चलिए यहाँ पे पहले समझते हैं लेबलिंग हमारी क्या होती है। तो देखिए, जनरल पहले आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं लेबलिंग का मसला, ये पढ़ रहे हैं ओनली हम डिस्पेंस्ड मेडिकेशंस के लिए। तो जो हमारी डिस्पेंस्ड मेडिकेशन है उनके लिए यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर इसको हम एक मिनट को हटा दें और हम नॉर्मली समझें लेबलिंग हमारी क्या होती है, तो देखिए क्या होता है। आपने देखा है ना, ज़रूरी नहीं है कि लेबलिंग के दवाइयों के ऊपर ही हो, ये क्या होता है हर चीज़ के ऊपर होती है, एक तरह से जो मार्केट में बिकती है। जैसे कि नॉर्मल हम देख सकते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, जैसे कि कुछ भी आप समझ लीजिए एक तरह से पैकेट वगैरह पर आती है, जैसे मान लीजिए कोई आप न्यूट्रिशन की चीज़ ले रहे हैं तो उस पर पूरा लिखा हुआ होता है, जैसे कि मतलब कितनी क्वांटिटी में इसके अंदर प्रोटीन है, कितना इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, कितना लिपिड है, ये सब चीज़ें एक तरह से उसके ऊपर लिखी हुई होती है, तो वो उसका लेबल होता है। नॉर्मली हम देखें, जैसे हमारे दवाइयों कंटेनर अगर हम देख लें तो सिरप्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर पूरा लेबल होता है, यानी कौन कौन सा साल्ट कितनी क्वांटिटी में उस पर यूज़ किया हुआ है, किस डेट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, किस डेट में इसकी एक्सपायरी रहेगी, कितने टाइम हमें इसको लेना है, तो इससे रिलेटेड उस पर इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर हम हाई लेवल पर देखें, जैसे आपने देखा है ना मूवीज़ वगैरह में जहाज़ वगैरह होते हैं पानी वाले, क्या होता है बड़े बड़े कंटेनर्स वगैरह रखे होते हैं तो उन पर भी लेबलिंग होती है। अब हमारे जो सिरप्स वगैरह जिस बड़े बॉक्स के अंदर आते हैं उस पर भी लेबलिंग होती है, फिर वो बॉक्स उससे बड़े लेवल के बॉक्सों के अंदर फिक्स होकर आते हैं तो उन पर भी लेबलिंग होती है। तो देखिए, लेबलिंग डिफरेंट टाइप की होती है और डिफरेंट लेवल के हिसाब से होती है, हाई लेवल लो लेवल जैसे टाइप हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे भी लेबलिंग के। तो इस तरह जो होती है हमारी लेबलिंग होती है। और देखिए, ज़रूर नहीं है जो हमारी लेबलिंग है वो पेशेंट के लिए ही हो, वो डॉक्टर के लिए भी होती है। पीछे जो डॉक्टर के पास दवाई आती है, एक तरह से डॉक्टर को भी तो देखना होता है कौन सी हमारी दवाई है, कितना साल्ट इसमें यूज़ किया हुआ है, तो सभी चीज़ की क्वांटिटी देख के वो सेटिस्फाई करके क्या करता है, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है, जिससे कि पेशेंट उसका नॉर्मली यूज़ कर सके। तो एक तरह से लेबलिंग वो पहले खुद देखता है, फिर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसको लगाता है। इस तरह से जो हमारी लेबलिंग होती है डॉक्टर के, फिजिशियंस वगैरह सभी के लिए होती है, जो हमारे के होते हैं यहाँ पे प्रोफेशन में होते हैं, किस चीज़ के डॉक्टर लाइन के एक तरह से, या फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो एक तरह से पेशेंट को दवाइयाँ दी जा रही हैं उसके लिए भी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि दवाइयाँ उसने क्या ली है, किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो ये क्या होती है हमारी एक लेबलिंग होती है, इसको अगर हम देखें तो आपको समझ में आया होगा लेबलिंग हमारी क्या होती है। अब चलिए इसको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे। टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड इंश्योरिंग प्रॉपर सेफ यूज ऑफ मेडिसिन, ए लेबल इज मैंडेटरी अपॉन डिस्पेंसिंग द मेडिकेशंस। तो सीधा सीधा इसका मतलब समझिए, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो एक तरह से हम दे रहे हैं, कोई भी हम मेडिसिन दे रहे हैं तो उसी के साथ एक लेबल भी एक तरह से होता है, जिससे कि उससे रिलेटेड पूरी उस पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब किसके लिए, टू द पेशेंट, पेशेंट के लिए अगर वो दवाई पेशेंट को दी जा रही है, साथ में एंड इंश्योरिंग प्रॉपर सेफ यूज ऑफ मेडिसिन, एक तरह से इंश्योर करने के लिए कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसका प्रॉपर सेफ यूज़ क्या है। तो इसके लिए होता है एक लेवल, ए मैंडेटरी एक तरह से अनिवार्य होता है, क्या चीज़, एक लेवल अपोनो किसके ऊपर होता है, जो हमारी डिस्पेंस्ड मेडिकेशंस होती हैं, जो हमारी डिस्पेंस्ड मेडिकेशन है उनके ऊपर एक तरह से हमारे ये लेवल होता है। तो मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना एक हमारा मेन वर्क है यहाँ पे लेवल का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द लेवल ऑन डिस्पेंस्ड मेडिसिन मस्ट बियर द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेफ एंड इफेक्टिव कंजप्शन ऑफ मेडिसिन। तो देखिए, लेबल क्या है, जो डिस्पेंस मेडिकेशन है उसके ऊपर जो एक तरह से लेबल दिया जा रहा है वो मस्ट बियर द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर एक तरह से जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, उस मेडिसिन से रिलेटेड, वो उस पर होनी चाहिए, रिगार्डिंग किससे, सेफ एंड इफेक्टिव कंजप्शन ऑफ मेडिसिन, उन मेडिसिन का सेफली तरीके से यूज हम कर सकते हैं।
तो ये क्या होते हैं, एक तरह से हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक का। इसका जो इंट्रोडक्शन है इसको हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो बच्चे हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करते हैं वो इसको इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं, पर्पस ऑफ लेबलिंग। अब देखिए क्या पर्पस होता है जिसके लिए हम लेबलिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं फिजूल में अपना टाइम खराब कर रहे हैं और लेबलिंग को कर रहे हैं, तो हमारा क्या पर्पस होता है इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे टू अवॉइड मेडिकेशन एरर। तो देखिए मेडिकेशन से रिलेटेड जो एरर है त्रुटियां उनको एक तरह से कम किया जा सके, ये किससे किया जाएगा, अगर उसके लेबलिंग उसके ऊपर हम सब उस पर पढ़ रहे हैं तो इसके लिए एक तरह से हम करते हैं। नेक्स्ट टू डिस्क्राइब एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो देखिए कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एक तरह से लेबलिंग देख के तो हम पता चलता है क्या प्रोडक्ट है, यानी उसका साल्ट हम देखते हैं उसके बाद ही हम पता चलता है प्रोडक्ट हमारा क्या है। तो एक तरह से उसको जो उसकी आइडेंटिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक तरह से लेबल वहाँ पे एसेंशियल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं टू अचीव प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो लेबल पे देख के तो हम पता चलता है कितने टेम्परेचर पे इसको रखना है, एक तरह से उसी हिसाब से उसको अचीव एक तरह से हमें पता चल जाता है किस तरह से हम दवाई को हैंडल करना है, कैसे हमें इसको स्टोर करना है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ यानी एक तरह से प्योरिटी क्वालिटी वहाँ पे बनी रहे। हम देख लेते हैं यहाँ पे टू कॉन्ट्रीब्यूट टोवर्ड्स आइडियल थेराप्यूटिक रिजल्ट। अब हमें मान लीजिए क्या है, अभी हम डॉक्टर हैं, हमें पूरा पता है इसकी लेबलिंग क्या है, इसको कहाँ पे रखना है, किस तरह से इसके अंदर क्या यूज़ क्या हुआ है, जब भी तो हम पेशेंट को अच्छे तरीके से दे सकेंगे उसको एक तरह से थेरापोटिक इफेक्ट, एक तरह जो रिजल्ट है वो वहाँ पे पेशेंट को मिल पाएगा। तो एक तरह से यही हमारा सारा इसके अंदर होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू अलाउ द प्रोडक्ट टू बी ट्रेस्ड इन केस एनी प्रॉब्लम लाइक जैसे एक क्वालिटी इशू। तो उसका लेबल जो होता है उसी को देख कर हम पता लगा लेते हैं भाई इसकी क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, एक तरह से जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। तो नॉर्मल देखिए हम सीधा सीधा मतलब यही है, जो एक तरह से लेबल वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस दवाई से रिलेटेड। अब डिस्पेंस मेडिकेशन यानी जो एक तरह से डॉक्टर क्या होते हैं फार्मासिस्ट दवाई को डिस्पेंस करते हैं, तो वो मेडिकेशन क्या भाई डॉक्टर उनको देखेगा, जो एक तरह से डिस्पेंस पेशेंट के लेके जा रही हूँ एक तरह से पेशेंट देखेगा कि हाँ भाई क्या उस पर लेबल है। तो इस तरह से हमारी पूरी यहाँ प्रोसेस होती है। चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड डेफिनेशन, ये किससे रिलेटेड डेफिनेशन है जो हमारा लेबल है। अब देखिए अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे डायरेक्टली आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा, तो आप ये ना सोचे सर ने एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया है। देखिए ये जो हमारी डेफिनेशन रहेंगी ये किससे रिलेटेड हमारे लेबल से, तो लेबल के बारे में हमें जो डीपली एक तरह से इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिलेगी वो इसी के अंदर से मिलेगी, जिससे आने वाले हमारे टॉपिक है उनको हम इजीली समझ पाएंगे। तो रिलेटेड डेफिनेशन जो है आपसे लॉन्ग में भले इसके साथ में मिलाकर ना पूछी जाए लेकिन शॉर्ट में आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाएंगी और मल्टीपल क्वेश्चन में भी एक तरह से बहुत ही आपके काम आने वाली हैं। तो आपको इन्हें ध्यान से फोकस से स्टडी करना है, वो जब आपका पूरा ही टॉपिक एक तरह से हम कंप्लीट कर देंगे तो आपको बता देंगे किस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हैं और किस तरह से टॉपिक के अंदर से आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं अगर आप ये क्वेश्चन आता है आपके लिए। तो देख लेते हैं, फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी लेबलिंग यानी जो हमारी प्राथमिक लेबलिंग होती है जिसको हम हिंदी में कहें तो, दिस लेबल इज अपॉन द इमीडिएट कंटेनर्स विच इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर हमारे कंटेनर फिक्स होकर आ रहे हैं, तो वो जो बड़ा सा बॉक्स है उसके बाहर भी एक तरह से क्या होता है उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है जिस पे एक तरह से पूरी उस दवाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कौन सी हमारी दवाई है। और अगर हम उस बॉक्स को अनबॉक्स एक तरह से करें उसको खोले तो उसके अंदर जो कंटेनर होते हैं उन पे भी एक तरह से हमारा लेबल होता है। तो जो कंटेनर के ऊपर क्या होता है एक तरह से लेबल होता है उसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं प्राइमरी लेबल कहते हैं, क्योंकि एक तरह से दवाइयाँ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आती है किसके एक तरह से उस कंटेनर के, और उस कंटेनर के ऊपर हमारा लेबल होता है। तो वो तो हमारा हो गया यहाँ पे प्राइमरी लेवल जिसको हम फर्स्ट लेवल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल वो होता है जैसे कि अभी हमने आपको बताया जो बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर कंटेनर आते हैं उसके ऊपर जो हमारा लेवल होता है, तो ये क्या होता है हमारा यहाँ पे सेकेंडरी लेवल होता है। जैसे कि देख लेते हैं दिस लेवल इज ऑन द आउटर पैक यानी पैक के आउटर होता है जो बाहर की साइड में लगा होता है, विच इज इमीडिएट टू द कंटेनर कैरिंग द प्रोडक्ट, जो एक तरह से जो हमारा प्रोडक्ट है उसको पहचानने में हेल्प करता है, और जो एक तरह से हमारा आउटसाइड है यानी जो हमारे बॉक्स है उसके बिल्कुल इमीडिएट एक तरह से उसके ऊपर वो होता है चिपका हुआ होता है, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं डिस्पेंसिंग लेवल हमारे कौन से होते हैं। दिस लेवल बियर्स प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट एंड इट अटैच्ड टू द मेडिसिन पैक व्हाइल डिस्पेंसिंग। तो देखिए जब हम डिस्पेंसिंग किसके लिए कर रहे हैं पेशेंट वगैरह के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है एक तरह से जो हमारी क्या होती है इंस्ट्रक्शन यानी जो निर्देश होते हैं किस चीज़ के प्रोडक्ट जो हमने डिस्पेंस किया है किसके लिए होते हैं फॉर द पेशेंट। पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं अभी डिस्पेंस मेडिकेशन दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो उस मेडिसिन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन एक तरह से उसके ऊपर होती है जो अटैच होती है टू दी मेडिसिन पैक यानी जो पैक है जिसके अंदर एक तरह से हम मेडिसिन दे रहे हैं वाइल डिस्पेंसिंग या उसकी डिस्पेंसिंग कर रहे हैं जब उसके ऊपर एक तरह से वो लगाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स। तो देखिए प्रोडक्ट हम सभी जानते हैं उत्पाद इन्फॉर्मेशन सूचना, और यहाँ पर क्या होता है पात्रक लीफलेट जो होते हैं इसको हम कहते हैं पात्रक जो हिंदी में होता है इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PIL यानी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स। तो ये क्या होती है देख लेते हैं,
इट इज ए लीफलेट, यानी कि होता है एक पत्रक होता है हिंदी में हम कहें तो, जो एक तरह से कंटेनिंग करता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो एक तरह से पीछे जो प्रोफेशनल्स होते हैं यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, सीधा आप समझिए डॉक्टर, फिजिशियन, डेंटिस्ट या एक तरह से फार्मासिस्ट, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो भी इसी का पार्ट होते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक तरह से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है वो एक तरह से उसके ऊपर दी जाती है, किसके लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे डॉक्टर एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर डिस्पेंस्ड मेडिकेशंस लेवल। अब देखिए ये भी आपका जो टॉपिक है, जैसे कि आपके सब डेफिनेशन थी साथ ही में आपके जो स्टैंडर्ड है आपके, आप देखेंगे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं पूछे लेकिन डायरेक्टली आपसे पूछे जाए तो आप लिख दें, इतने इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये नहीं रहेंगे लेकिन इसको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि स्टैंडर्ड फर्स्ट हमारा क्या होता है, तो स्टैंडर्ड जो फर्स्ट है एक तरह से, देखिए सारे स्टैंडर्ड किसके लिए हैं, जो डिस्पेंस मेडिकेशंस एक तरह से लेवल हैं तो उसके लिए हैं। तो स्टैंडर्ड फर्स्ट में क्या होता है, द इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू कंज्यूमर्स, उसके ऊपर क्या होता है स्टैंडर्ड फर्स्ट के एक तरह से लेवल पे इन्फॉर्मेशन होती है जो यूजफुल होते हैं किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, जो हमारे उपभोक्ता होती है इन दवाइयों के, हाउ टू सेफली एंड इफेक्टिवली एडमिनिस्टर मेडिसिन, जो हमारी मेडिसिन उनको सेफली और यहाँ पे एडमिनिस्टर कैसे करें, ये बी क्लियर, शुड बी क्लियर एक तरह से डिस्प्लेड एक तरह से उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, किसके ऊपर, लेबल के ऊपर। स्टैंडर्ड सेकेंड हमारा आ जाता है, ए सेट फॉर्मेट एंड होल्डर शुड बी एम्प्लॉयड टू अलाउ ईच एलिमेंट नोटेड इन द सेम प्लेस ईच अदर, इसके ऊपर एक सेट फॉर्मेट होना चाहिए, एक तरह से होल्डर होना चाहिए, शुड बी एम्प्लॉयड, जो एक तरह से यूजफुल है और हमें एक तरह से अलाउ करे कि हमारे जो ईच एलिमेंट है सारे ही एलिमेंट है नोटेड एक तरह से करने चाहिए वो सेम प्लेस पे हर बार जितनी बार भी वो होते हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो एक तरह समझने। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड थर्ड जो हमारा रहेगा, तो साइन एंड द नेम ऑफ एपीआई, जो एक तरह से हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं शुड डिस्प्लेड होने चाहिए, फर्स्ट फॉलो किए जाएं जो कि बाय द ब्रांड नेम, उसके ब्रांड नेम से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फोर्थ जो हमारा होता है, ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रेंथ शुड बी यूज्ड फॉर लिक्विड प्रिपेशंस, जो हमारे लिक्विड प्रिपेशंस होती हैं तो एक तरह से जो हमारा क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए कि किसने स्ट्रेंथ एक तरह से यूज़ की गई है, यानी जो हमारी ml में स्ट्रेंथ होती है उसको यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये हमारे जो सॉलिड डोज फॉर्म होती है उनमें होता है ना, आपने देखा है mg वगैरह क्या होती है, इसको एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फाइव, कंप्लीट एलिजिबल इन्फॉर्मेशन शुड बी मेंशन, जो एक तरह से पढ़ने योग्य है, पढ़ क्या रहे हैं हम भाई, उस एक तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं जो उससे रिलेटेड है, किस चीज़ से जो हमारी दवाइयाँ वगैरह होती हैं, हमारी डोज फॉर्म होती हैं वो उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए जिससे इजीली हम उसको पढ़ सकें। साथ में देखिए हमारे जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है, टेन है, इलेवन है, ट्वेल्व है, तो इनको आप ऐसे लिख दें, आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़े से टॉपिक को आप थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे समझना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं मेन लेवल हमारा क्या रहेगा, अब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा जैसे कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है, यानी जो एक तरह से इंट्रोडक्शन किसका, यहाँ पे लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशन का, वो आपसे डायरेक्टली आपके सिलेबस में पूछा है। साथ ही में जो एक तरह से हमारे कुछ पॉइंट है इसके अंदर, जैसे मेन लेवल है हमारा या आगे हमारे कुछ पॉइंट रहेंगे, ये आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, मान लीजिए डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है भाई लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशन, और उसमें आपसे पॉइंट ऐड करके पूछता ही नहीं है, जैसे हमारा मेन लेवल क्या है, हमारे पिक्टोग्राम वगैरह जैसे आगे हम देखेंगे, तो आप उसमें सब रिलेटेड डेफिनेशन लिख दीजिए, साथ ही में आप उसमें लिख दीजिए जो हमारे कुछ स्टैंडर्ड थे, तो आपसे चल जाएगा। लेकिन आपसे लॉन्ग में पूछ रहा है, साथ ही में ये आपसे नाम के साथ में पूछ रहा है, तो आपको फिर इन्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यानी इस टॉपिक का जो हमने इंट्रोडक्शन आपको बताया, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद डायरेक्टली आप इसके ऊपर आ सकते हैं, अगर आपसे नाम से इसमें ऐड करके पूछ रहा है तो आप जो बीच वाला पोर्शन है सम रिलेटेड डेफिनेशन और स्टैंडर्ड, उनको यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग क्वेश्चन हमारा ये है, इजिली आपको ये कवर हो जाएगा, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वो आपसे शॉर्ट में भी डायरेक्टली पूछ सकता है, जो हमने मेथड बताया ये आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा जो मेन लेवल है ये हमारा क्या रहेगा, हिंदी में हम किसको कहते हैं, मुख्य लेवल। तो चलिए देख लेते हैं लेवल हमारा क्या रहेगा, दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द लेवल ऑन द डिस्पेंस मेडिकेशन, जो हमारी डिस्पेंस मेडिकेशन है उसके ऊपर जो हमारा लेवल होता है, तो ये हमारी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक तरह से हमें प्रोवाइड कराता है, जो आगे यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे हम देखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, तो जो हमारे देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या होता है, जो हमारे हाई लेवल की एक तरह से फार्मेसीज होती है उनकी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक तरह से पेशेंट को क्या दिया जा रहा है, वहाँ पे भी सीधा सीधा जो दवाई दी जा रही है तो उसका वहाँ पे लेबल बनाया जाता है, लेबल पे पेशेंट का नाम भी होगा, साथ ही में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होगी सारी, एज, सेक्स वगैरह पूरी उस पर होती है। अब छोटे मोटे आप फार्मेसी पर देखें तो ये आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप कन्फ्यूज़ ना हो, हम यहाँ पर हाई लेवल की स्टडी कर रहे हैं, जो हमारी कम्युनिटी फार्मेसी है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट हम देख लेते हैं दी फर्स्ट नेम एंड सरनेम, तो देखिए क्या होता है, नेम तो लिखा जाता है साथ में सरनेम से क्या होता है, हेल्प मिल जाती है, क्योंकि एक नाम के कई पेशेंट एक तरह से हो सकते हैं, ऑफ द पेशेंट
शुड बी पुट ऑन द लेबल, लेबल के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, साथ में पेशेंट का एड्रेस भी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर एंड डेट ऑफ द सप्लाई। तो देखिए पेशेंट ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो सप्लाई कर रहा है, मान लीजिए भाई कोई सिटी फार्मेसी है, तो सिटी फार्मेसी से क्या उस पेशेंट को दवाई दी गई है, तो उसका भी तो वहाँ पे एड्रेस एक तरह से पूरा होना चाहिए, जिससे कि पता रहे कहाँ से दवाई हमारी आई हुई है। तो जो सप्लायर है एक तरह से उसको सप्लाई कर रहे हैं, कौन सप्लाई कर रहा है, जैसे सिटी फार्मेसी हमने एग्जाम्पल लिया, तो उसकी भी यहाँ पे एक तरह से एड्रेस नाम वगैरह होना चाहिए, जैसे कि द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्मेसीज फ्रॉम वेयर द ड्रग इज डिस्पेंस, जहाँ पे ड्रग डिस्पेंस की जा रही है जिस फार्मेसी पे, उसके एक तरह से नाम या एड्रेस वहाँ पे होना चाहिए। इज प्री प्रिंटेड ऑन द लेबल, ये प्री प्रिंटेड होने चाहिए लेबल के ऊपर। तो आपने देखा है ना, इस तरह के जो लेबल होते हो पहले से प्रिंटेड करा कर रखते हैं इस चीज़ को, बाकी की इन्फॉर्मेशन पेशेंट की बस उस पर लिखनी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दिस सप्लाई डेट इज ऑल्सो मैंशन ऑन द लेबल, किस डेट में पेशेंट को दवाई सप्लाई की जा रही है उसकी एक तरह से डेट भी उसके ऊपर होनी चाहिए, जिससे ईजिली पता चल सके किस डेट में दवाई हमारी दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं हेडिंग प्रिसाइज डिटेल रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ कंटेनर व्हेन डिस्पेंस। तो देखिए क्या होता है, जब कंटेनर के अंदर दवाई हम डिस्पेंस करते हैं, तो एक तरह से जो उसके अंदर कंटेंट है, यानी कंटेनर के अंदर जो कंटेंट है हमारा दवाइयाँ वगैरह है, तो उसकी भी एक तरह से प्रिसाइज डिटेल उसके ऊपर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चलिए यहाँ पे जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारा नेम ऑफ मेडिसन, कौन सी मेडिसिन इसके अंदर है वो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन, कितनी स्ट्रेंथ में, देखा ना आपने जैसे ml में होती है 100 ml या एक तरह से हमारी का mg के हिसाब से होती है, तो एक तरह से वो मेंशन होना चाहिए लेबल के ऊपर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मेडिकेशन डिस्पेंस्ड इन द कंटेनर शुड बी गिवन ऑन द लेबल, कितनी क्वांटिटी एक तरह से टोटल डिस्पेंस की जाइए उस कंटेनर के अंदर, ये भी उसके ऊपर एक तरह से रिटर्न होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टोरेज कंडीशन एंड सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कितनी है, कितने दिन तक ख़राब नहीं होगा, यानी अच्छा वहाँ पर रहेगा, साथ ही में स्टोरेज कंडीशन। देखिए एक तरह से हम कह सकते हैं जो सेल्फ लाइफ होती है ना किसी भी दवाई की कंटेनर की, वो एक तरह से स्टोरेज के ऊपर मेन डिपेंड करती है। अगर हम उसको जो रिक्वायरमेंट है उस ड्रग की वहाँ पर हम रख रहे हैं उसके तो सही है, हमने स्टोरेज वहाँ पर गलत कर दी है। देखिए स्टोरेज का सीधा सीधा मीन्स होता है रख रखाव, दवाई लेने के बाद कहाँ पर हमें उसको रखना है। जैसे कुछ दवाइयाँ फ्रिज में रखी जाती हैं, कुछ हमारी ऐसी नॉर्मल हम रख दें तो टेम्परेचर का उन पर असर नहीं होता है, तो ये हमें ध्यान करना होता है। जैसे कि The pharmacist should provide the following guidelines on the label regarding the storage. Pharmacist एक तरह से डिस्पेंस कर रहा है दवाइयाँ पेशेंट को दे रहा है, तो ये फॉलोइंग एक तरह से गाइडलाइन उसके ऊपर उसे लिखनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट को ईजिली उसको समझने में आसानी हो सके। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर, प्रोवाइड टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ड्रग और मेडिकेशन, कितना टेम्परेचर पर उसको रखा जाए, जैसे कुछ रेफ्रिजरेटर में या उससे बाहर रखा जाए। ह्यूमिडिटी एक तरह से प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से उसको बचाना है या नहीं बचाना है ये सारा उसको बताना चाहिए। साथ ही में लाइट, कुछ हमारी दवाइयाँ ऐसी होती है लाइट के कॉन्टैक्ट मान से डायरेक्ट, आपने देखा ना कंटेनर कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली अगर उनके अंदर कोई भी लाइट एंटर करती है तो दवाई ख़राब हो सकती हैं, तो ऐसी दवाइयों के लिए क्या होता है यहाँ पे एम्बर कलर के कंटेनर का एक तरह से यूज़ किया जाता है, यानी जो हमारे लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं लाइट से ख़राब हो सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए एक तरह से गाइडलाइन उसके ऊपर दी जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, इंस्ट्रक्शन सीधा सीधा निर्देश, अब निर्देश किसको दिए जाएंगे, पेशेंट को दिए जाएंगे, तो ये यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि द फॉलोइंग क्लियर एंड कंप्लीट इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द लेबल, जो हमारे फॉलोइंग बिल्कुल क्लियर एक तरह से इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, जो एक तरह से फार्मासिस्ट के थ्रू किसको दिए गए, पेशेंट को दिए गए, अभी किसके थ्रू किए जा रहे हैं यहाँ पे लेबल के थ्रू दिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है फार्मासिस्ट खुद उसके साथ जाएगा घर जाकर बताएगा आप इसको ऐसे लो ऐसे लो, वो एक लेबल दे देता है उसी के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होती है। जैसे कि फॉर किसके लिए, द पेशेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ मेडिकेशन, जैसे हम कह सकते हैं मेडिसिन के रिगार्डिंग होते किस तरह से हमें इसको यूज करना है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे इंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट के अंदर आएगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया डायरेक्शन, डायरेक्शन फॉर यूज इंक्लूडिंग जैसे डोज, कितनी डोज हमें लेनी है, फ्रीक्वेंसी, दिन में कितने टाइम लेनी है, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर तो लेनी ही नहीं, उसमें भी टाइमिंग, सुबह कितने बजे लेनी है, शाम कितने बजे लेनी है, दोपहर कितने बजे लेनी है, साथ ही में एंड रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट के थ्रू लेनी है। अब मान लीजिए कोई सिरप वगैरह भाई पीने का दवा है तो पियेंगे आप उसको, ऐसा नहीं अपनी बॉडी के ऊपर लगाने लगेंगे उसको टॉपिकल, मतलब जो हमारे डोज फॉर्म होती है क्रीम्स वगैरह की तरह, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी ही एक तरह से इन्फॉर्मेशन लेबल के ऊपर होती है जो फार्मासिस्ट के थ्रू दी जाती हैं एक पेशेंट को जो दवाइयाँ डिस्पेंस की जाती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम देख लेते हैं शेकिंग ऑफ बॉटल, शेकिंग ऑफ द बोतल का मतलब समझ रहे हैं, यानी बोतल को हिलाना, बोतल कब हिलाते हैं, जब कोई हमारे मान लीजिए कोई सिरप है
तो सिरप को क्या करते हैं, यूज़ करने से पहले हम थोड़ा सा हिलाते हैं, जिससे कि उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स जो एक तरह से होमोजेनस फॉर्म में आ जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। होता है ना, दवाई के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, आपने कभी देखा होगा सिरप अगर आप पीते तो एक तरह से अपनी अच्छी होमोजेनस फॉर्म में मिक्स वहाँ पे हो सके, जिससे कि आप उसके यूज़ करें, प्रॉपर इफेक्ट आपको मिल सके। तो ये भी उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे लाइक हमारे मसल्स होते हैं, सस्पेंशन होते हैं एंड एरोसोल्स होते हैं, फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ दोनों के लिए होते हैं। शुड बी शेकन वेल बिफोर यूज़, यूज़ करने से पहले एक तरह से उसको क्या करना चाहिए, शेक करना चाहिए, टू मेक द प्रिपरेशन होमोजेनस या सामान्य मिश्रण, जिससे कि वो बन सके। नेक्स्ट हम इसके अंदर देख लेते हैं, टेक विद वाटर और डाइल्यूट विद वाटर बिफोर यूज़। तो देखिए क्या होता है, सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, जैसे हमारी डिस्प्लेन है भाई, तो हमें बताया ना पेशेंट को कि आपको पानी में डाल। नेक्स्ट हमारे जैसे क्या होते हैं, कुछ सिरप ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर डाल के एक तरह से लिए जाते हैं जब उनको लिया जाता है, कुछ हमारे डायरेक्ट लिए जाते हैं, तो एक तरह से डायल्यूट उनको किया जाए वाटर के अंदर या एक तरह से बिना वाटर के वो लिए जाए, ये सारी चीज़ें एक तरह से। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मेन पॉइंट है, ये भी हमारे जैसे मेन लेवल था, इसी तरह से हमारी इंसिलरी लेवल है। अब चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं हमारे जो इंसिलरी लेवल्स होते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सहायक लेवल, यानी क्या करते हैं एक तरह से सहायता करने का वर्क करते हैं। अभी किसकी सहायता करेंगे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे कि चलिए इसमें देख भी लेते हैं, टू मेक द पेशेंट टेक देयर मेडिसिन इन सेफ एंड इफेक्टिव। तो क्या कर रहे हैं, बनाते हैं, यानी पेशेंट को बनाती है ये जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई अच्छी तरीके से कैसे उसको दवाइयाँ लेनी है सेफली तरीके से और साथ ही में इफेक्टिवली मैनर में। तो ये हमारा हो गया, दे शुड बी प्रोवाइडेड विद द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके ऊपर होती है, जो हमारे एनसीएलई लेवल एक तरह जिसको हम कहते हैं, यानी नॉर्मल जिसको हम लेवल कहते हैं। दी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन ऑन द लेवल। इंस्ट्रक्शन सीधा सीधा निर्देश, क्या एक तरह से निर्देश किए गए हैं, किसको निर्देश दिए गए हैं, ओनली पेशेंट को हमारे दिए जा रहे हैं। फिर डिस्पेंस मेडिकेशन पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्पेंस करके दे रहे हैं, तो लेवल किसके लिए, पेशेंट के लिए। अब तो हमारे सहायक लेवल पे किस तरह की इन्फॉर्मेशन एक तरह से उसके ऊपर लिखी हुई होती है, जैसे कि फर्स्ट इसके अंदर हम पॉइंट देख लेते हैं, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। तो देखिए कुछ हमारी डोज फॉर्म ऐसी होती है जिनके ऊपर एक तरह से पहले लिखा हुआ है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, यानी आपको उनको ओनली एक्सटर्नली यूज़ करना है, इंटरनली नहीं करना है। अगर आप इंटरनली करेंगे तो आपको एक तरह साइड इफेक्ट कोस कर सकती हैं। सम मेडिकेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज़, जैसे कि हमारी क्या होती है, लाइक हमारी सेमी सॉलिड डोज फॉर्म होती है, जैसे जेल्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट एंड डस्टिंग पाउडर्स। तो देखिए कुछ हमारी ऐसी होती हैं हमारी डोज फॉर्म जिनको ओनली हम एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रीम क्या करते हैं बॉडी के एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, ऑइंटमेंट क्या होता है उसको भी एक्सटर्नली हमारी इंजरी वगैरह हो जाती है उसमें यूज़ करते हैं, डस्टिंग पाउडर की हम बॉडी पर क्या होता है जैसे हमारे एंटीबैक्टीरियल डस्टिंग पाउडर्स वगैरह होते हैं उनका यूज़ करते हैं, जेल्स वगैरह। तो ये क्या होते हैं सारे हमारे एक्सटर्नली यूज़ के लिए होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं नोट टू बी टेकन का सीधा सीधा मतलब मान लीजिए कोई दवाई है तो आपको इसके साथ में इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे हमारी क्या होती है लाइक जैसे टेट्रासाइक्लिन होती है, टेट्रासाइक्लिन को आप अगर मिलके साथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाती है, साइड इफेक्ट कोस कर देगी, यानी उसका कोई भी थेरापोटिक इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मिल्क अंदर क्या होता है कैल्शियम होता है और कैल्शियम के कॉन्टैक्ट में आकर जो हमारी क्या होती है टेट्रासाइक्लिन होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में हमारी वहाँ पर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर नेजल यूज़ ओनली लिखा हुआ होता है ना कि फॉर नेजल यूज़ ओनली, ओनली नेजल के थ्रू आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइक नेजल ड्रॉप होते हैं। फॉर रेक्टल यूज़ ओनली जैसे रेक्टल सपोजिटोरीज वगैरह होती हैं। फॉर वेजाइनल यूज़ ओनली जैसे वेजाइनल सपोजिटोरीज होती है, अदर हमारी बहुत टाइप की होती हैं। नोट अदर रूट यानी इस पर पहले से लिखा हुआ है आपको इनके थ्रू इसके मतलब इनके थ्रू आपको लेना है, इससे अलग आप लेते हैं तो एक तरह से उसके साइड इफेक्ट कोस हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा होता है। चलिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कुछ वार्निंग हम देखेंगे, जो वार्निंग एक तरह से फार्मासिस्ट के थ्रू डायरेक्ट भी बता दी जाती हैं, कुछ एक तरह से लेवल पर भी दे दी जाती हैं, मोस्टली लेवल पर दी जाती हैं, कंटेनर्स वगैरह पर भी होती है जैसे लेवल हमारे, तो उस पर डायरेक्टली कुछ हमारी वार्निंग दी जाती हैं जो पेशेंट के लिए होती है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप कभी दवाई वगैरह खाएं तो इन वार्निंग को पहले ही चेक कर लें, क्योंकि आपकी भी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दवाई तो सभी खाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जिसको हम कहते हैं ड्राउसनेस वार्निंग, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उन्हीं दापन चेतावनी। अब ये चेतावनी क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। सम मेडिकेशन या मेडिसिन हमारी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है कैन कोस, जो एक तरह से कोस कर सकती हैं यहाँ पर ड्राउसनेस यानी नींद वगैरह की झपकी आना, या कह सकते हैं चक्कर आना, डिजीनेस, ब्लर्ड विजन यानी आँखों के आगे अंधेरा आ जाना, ब्लर हो जाना। तो ये क्या होती है कुछ हमारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कुछ दवाइयाँ एक तरह से कोज इनको कर सकती हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मे इम्पेयर एक तरह से ख़राब हो सकती है क्या चीज़, आपकी एबिलिटी, जिसमें आप सक्षम है आपकी एबिलिटी जो होती है क्या करने, नींद वगैरह की झपकी आ रही तो आप अगर ड्राइव कर रहे तो एक तरह की एबिलिटी वहाँ पर ख़राब हो गई, यानी क्या होता है झपकी वगैरह आ रही तो एक्सीडेंट वगैरह केस हो सकते हैं। और ऑपरेट मशीनरी सेफली, अगर आप किसी मशीनरी को क्या कर रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है पूरा फोकस वहाँ पर चाहिए होता है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं या एक तरह से हम कह सकते हैं नींद की झपकी वगैरह, तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। उसके लिए क्या होता है यहाँ पे वार्निंग दी जाती है, जैसे कि द पेशेंट शुड बी वॉर्न, उसको एक तरह से आगाह किया जाता है, वॉर्न किया जाता है,
अबाउट दिस इंडिकेशन, इन इंडिकेशन, इन निर्देश वगैरह हम कह सकते हैं इसको, व्हाइल द मेडिसन्स आर बीइंग डिस्पेंस, जब दवाइयाँ डिस्पेंस की जाती हैं तो इस तरह की वार्निंग वहाँ पे दी जाती हैं। जैसे कि इसके अंदर एक एग्जांपल हम देखेंगे। अब देखिए एग्जांपल में क्या होता है, डायरेक्टली हमारी वार्निंग है, जैसे आपने कंटेनर या दवाई को स्ट्रिप वगैरह पर आपने नॉर्मल लिखा हुआ देखा भी होगा, क्या होता है एक वार्निंग वहाँ पे होती है। वार्निंग क्या होती है, जैसे कि मे कोस ड्राउसनेस, यानी मान लीजिए ड्राउसनेस अगर कोस कर रही है कुछ पेशेंट को, देखिए कुछ दवाइयाँ कोस करती हैं कुछ को नहीं करती हैं। लाइक जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारे जो सेडिन जिसको नॉर्मल कहते हैं सिट्रिजिन, उसके अंदर क्या होता है हाइड्रोक्लोराइड होता है। देखिए क्या होता है, कुछ पेशेंट को नींद कोस कर देती है कुछ को नहीं करती है। जैसे कि अगर हम अपने ही एग्जांपल ले लें, हम शाम में अगर एक टेबलेट खा लें सिट्रिजिन की, तो माशाल्लाह रात भर बड़े सुकून की नींद आती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये भी एक तरह से होता है। तो अगर ये कोस कर रहा है, इफ इफेक्टेड, अगर वो इफेक्टेड है तो डू नॉट ड्राइव, उसको ड्राइव नहीं करनी चाहिए। साथ में ऑपरेट मशीनरी, अवॉइड अल्कोहलिक ड्रिंक, ना उसको अल्कोहलिक ड्रिंक करना है, ना उसको मशीनरी ऑपरेट करनी, ना ही उसको ड्राइव करनी है। इस चीज़ की वार्निंग पहले ही दे दी जाती है जिससे कि उसका कुछ वहाँ पे नुकसान हो। चलिए फोर्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं, पोटेंशियल इंटरेक्शंस विद फूड और ड्रिंक। देखिए कुछ दवाई हमारी ऐसी होती है एक तरह से इंटरेक्शन कर जाती हैं फूड के साथ में या ड्रिंक के साथ में, तो इस पर एक तरह से क्या वार्निंग होनी चाहिए इसको हम देख लेते हैं। जैसे फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, यानी फॉलोइंग निर्देश, शुड बी रिटन ऑन द लेबल, कुछ हमारे निर्देश जो एक तरह से इस तरह कुछ कंडीशन होती है तो उसके लिए क्या होता है, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वॉर्न करने के लिए कुछ हमारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं, सम ड्रग कोस, कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती है कोस कर देती है गैस्ट्रो इंडस्टाइनल इरिटेशन, नॉर्मली हम कहें तो गैस। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बॉडी में डायरेक्टली अगर आप खाएंगे तो बॉडी में गैस वगैरह की प्रॉब्लम कर देती हैं, इसलिए नॉर्मल क्या होता है जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं एंटासिड जैसे रेंटिडिन ओमप्रेजोल वगैरह साथ में लगा कर देते हैं, इस तरह की दिक्कत ना हो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ पे वार्निंग पहले दी जाती है, जैसे कि टू बी टेकन विद और आफ्टर फूड, यानी दवाई आपको फूड के साथ में लेनी, खाने के साथ में लेनी है, खाने के बाद लेनी है, ऐसी कुछ वहाँ पे वार्निंग पहले ही दे दी जाती है जिससे इस तरह की दिक्कत ना हो। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज रिड्यूस्ड बाई द फूड और एसिड इन द स्टमक। क्या होता है, जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं आप सभी जानते हैं, उसका जो एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस होती है वो एक तरह से रिड्यूस हो सकती है, किसके थ्रू, फूड के थ्रू या स्टमक के अंदर जो हमारा एसिड होता है उसके थ्रू। तो इसके लिए भी एक तरह से वार्निंग दी जाती है, जैसे कि टू बी टेकन एन हर बिफोर फूड और एन एम्प्टी फूड, तो उसके लिए पहले वार्निंग दी जाती है, जो हमारी दवाइयाँ उसको आपको खाली पेट लेना है या एक तरह से जो आपका फूड है खाना है उससे पहले लेना है, तो पहले लेना है बाद में लेना है या एक तरह से खाली पेट लेना है, इस तरह की वार्निंग उसको पहले ही दे दी जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सम ड्रग लाइक जैसे यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल होती है आप सभी जानते हैं, मेट्रोनिडाजोल होती है वो कोस कर सकती है यहाँ पे फ्लशिंग इफ टेकन विद एल्कोहल, अगर हम उसको एल्कोहल के साथ ले रहे हैं तो वहाँ पे फ्लशिंग कोस कर सकती है, जैसे कि वहाँ पे उस पर वार्निंग होती है अवॉइड एल्कोहलिक ड्रिंक, अगर आप उस दवाई को खा रहे हैं तो एल्कोहलिक ड्रिंक आपको वहाँ पे यूज़ नहीं करनी है जब तक उसका वहाँ पे आपको इफेक्ट मिल रहा है, तो इस तरह के कुछ वहाँ पे मतलब होता है। तो देखिए हमने कुछ वार्निंग देखी और इससे अलग हमारी बहुत ही तरह की वार्निंग होती है जो हमने यहाँ पे नहीं लिखी है, आपके लिए इतना इनफ है, आप ओनली इन वार्निंग को लिखाना आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं पिक्टोग्राम्स, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये ना सोचे सर टॉपिक के अंदर टॉपिक इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है इसके अंदर, जैसे हमारा मेन लेवल हो गया है, लास्ट हमने पॉइंट देखा है, या जो हमारा पिक्टोग्राम्स है हो सकता है सारे आपसे एक साथ लॉन्ग में ना पूछ करके सेपरेटली आपसे पूछ ले, जैसे कि सपोज कीजिए पूछ ले एग्जामिनर राइट द पिक्टोग्राम्स डिटेल में आपसे पूछ ले क्या होते हैं पिक्टोग्राम, तो ऐसे नहीं है आपको स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन पढ़ लिया और लॉन्ग क्वेश्चन में आप सोच रहे हैं उसी को हम लिखाएंगे, अंदर से सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है, तो कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, जैसे कि एग्जाम वगैरह में डायरेक्टली यहाँ से सेपरेटली पूछ ले तो आप फिर बाद में कहें कि सर ने हमने वो याद किया ही नहीं था, तो ऐसा आपको नहीं करना है, सारे ही आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो पिक्टोग्राम जो है इंपॉर्टेंट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये टॉपिक है, क्योंकि देखिए ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम में तो आप लिखेंगे लेकिन एग्ज़ाम से अलग जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद भी आपकी जो जनरल लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपके पास रहने वाली है इससे, क्योंकि दवाइयाँ देखिए सभी यूज़ करते हैं जब तक लाइफ है जब तक दवाइयाँ हैं, तो इस वजह से आपको इसकी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे पिक्टोग्राम का सीधा सीधा हिंदी में हम कहते हैं चित्रलेख, यानी क्या होते हैं हमारे कुछ चित्र होते हैं, चित्र ये क्या वर्क करते हैं, एक तरह से इन्फॉर्मेशन देने का वर्क करते हैं किस चीज़ को, पेशेंट को, और एक तरह से कहीं ना कहीं हम कहें तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट को भी, क्योंकि डॉक्टर फार्मासिस्ट को चित्र लेख देख के तो पता चलता है कि हाँ किस तरह की वार्निंग है जो एक तरह से हमें पेशेंट को बतानी है या पेशेंट को पता होनी चाहिए, तो ये सभी के लिए एक तरह से वर्क करते हैं। तो एक तरह जो हमारे पिक्टोग्राम हमारे चित्र है जो एक तरह से हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं दवाई से रिलेटेड, हमें दवाई यूज़ करनी है या खाने से पहले करनी है, खाने के बाद करनी है या हमें करनी नहीं है, क्या हमारा क्या पूरा ही मटेरियल रहने वाला है, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके अंदर हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम्स क्या होते हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम होते हैं जो एक तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के थ्रू दवाइयों के कंटेनर्स के ऊपर दिए जाते हैं।
आर टूल्स एक तरह से हमारे लिए टूल्स होते हैं, यानी इनके थ्रू क्या करते हैं, हम समझते हैं दैट की मिनिमाइज मिसअंडरस्टैंडिंग, जो एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी क्या होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं लोग दवाई से रिलेटेड, तो उसको कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके ऑन ए डायरेक्ट ट्रीटमेंट, एक डायरेक्ट ट्रीटमेंट के टाइम। स्ट्रेंथिंग साथ में कंप्रीहेंशन, जैसे कह सकते हैं समझना, एज वेल एज रिकॉल ऑफ मेडिसिन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड अट्रैक्ट अटेंशन, यानी क्या होता है ये जो हमारे कुछ चित्रलेख ऐसे होते हैं जो हमारे अट्रैक्टिव तो होते हैं, साथ ही में हम इनको देख के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेते हैं, यहाँ पे क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही में हमारे ये समझने में हेल्प भी करते हैं। समझने में हेल्प कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमारे यूएसपी पिक्टोग्राम्स होते हैं, नॉर्मल जैसे हमारे क्या होते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, तो उस फार्माकोपिया में पिक्टोग्राम जो है मेनली हमारे यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ पिक्टोग्राम, तो देखिए ये जो है आपको नॉर्मली समझने हैं, क्योंकि क्या काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस आप इनको समझ ले, रट्टा फिक्शन वाला इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे डू नॉट वार्निंग, अगर ऐसा कोई निशान आपको दिखता है, ये क्रॉस वाला निशान है, अगर ये कहीं पर दिखता है तो क्या है डू नॉट वार्निंग, ये मतलब उस दवाई पे क्या होता है वार्निंग वगैरह नहीं है, कह सकते ये वार्निंग नहीं है। जैसे कि ए सर्कल विद ए एक्स, एक्स वाला सर्कल है ये, तो ये क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से दर्शाता है ए डू नॉट इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश नहीं है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे क्या होता है प्रिकॉशन, यानी सावधानी। अब देखिए ये जो हमारे पिक्टोग्राम है ना, ये ज़रूर नहीं है आपको दवाइयों पे मिल, जो ह्यूमन बींग खाते हैं जो जानवर की दवाइयाँ होती हैं उस पर, साथ में जो हमारे क्या होता है आप भाई अगर विलेज वगैरह में रहते तो आपने देखा है ना जो ईख वगैरह होती है, नॉर्मल गन्ने वगैरह होते हैं शुगर केन, तो उसमें हमारी खेती वगैरह काफ़ी टाइप की होती है, जिसमें क्या करते हैं हम दवाइयाँ वगैरह लाते हैं कीड़ा वगैरह कीटनाशक के फॉर्म में, तो उन पर पिक्टोग्राम नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये अगर आपको कहीं पे मिल रहा है जो आपका ट्राई एंगल है, तो समझ जाइए क्या है भाई वहाँ पे सावधानी आपको बरतनी है। क्या सावधानी बरतनी, देखिए ये ओनली यहाँ पे हम आपको पिक्टोग्राम बता रहे हैं, बाकी वार्निंग तो पूरी आपकी वहीं पे लिखी होती है। जैसे ए ट्राई एंगल इंडिकेट क्या चीज़ प्रिकॉशन, तो यानी प्रिकॉशन आपको रखना है एक तरह से उस दवाई को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो, जिसपे चिन्ह आपका बना हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन, अगर ये वाला चिन्ह आपको कहीं पर दिख रहा है क्या है भाई रेक्ट एंगल है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मली, तो अगर ऐसा कहीं आपको दिख रहा है आपको पिक्टोग्राम से दिख रहा है तो आपको जनरल सावधानी उसकी एक तरह से जानकारी मिलती है। जैसे कि यहाँ पर रेक्टेंगल प्रोवाइड करता है जनरल इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, उसको निर्देश आपको प्रोवाइड कराता है जो एक तरह से दवाई आपके पास है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फोर्थ आ जाता है, तो इसके अंदर कुछ इस तरह का डायग्राम है। अब देखिए हमने हैंड राइटिंग में बनाया तो थोड़े से अजीबोगरीब, इतनी आर्ट हमारी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे आप बनाए आप इसको देखें तो इस तरह का हमारे कुछ होता है। तो यहाँ पर आप एक कोई मैन दिख रहा होगा एक इंसान, और ये उसका हैंड है जिससे एक तरह से दवाई खा रहा है, तो ये सर्कल एक तरह से हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ए पर्सन विद हैंड टू द माउथ टू टेक ए मेडिकेशन इंडिकेट हाउ द पेशेंट शुड और शुड नॉट टेक ए मेडिकेशन। ये जो हमारा क्या होता है एक पिक्टोग्राम होता है, एक तरह से शो करता है कैसे आपको दवाई लेनी है हैंड के थ्रू या किस तरह से आपको पूरी प्रोसेस रखनी है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे जो कुछ हमारे पिक्टोग्राम रहेंगे, कुछ हमारे यहाँ पे सब टाइटल्स रहेंगे, सब टाइटल सीधा सीधा हमें बताएंगे किस तरह से हम इसको लेना है, और हमारे जो यहाँ पे पिक्टोग्राम रहेंगे ये हमारे कुछ यहाँ पे चित्रलेख रहेंगे, यानी हमारे डायग्राम टाइप में रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है ये एक इंसान है, साथ ही में ये क्या है आपका हमने ये बनाया जो भाई इसका सीधा सीधा मतलब समझिए जो हमारा फूड है खाना है, बीच में प्लेट या चम्मच वगैरह रखी हुई है, फिलहाल हमने कभी सोचा नहीं कि हमें चम्मच प्लेट बनानी होंगी, फिलहाल यहाँ पे बना दिए हैं, कैसे बनी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस तरह का मतलब कुछ डायग्राम अगर है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा वन हर, वन हर का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी टेक वन हर बिफोर मील्स, आपको क्या करना है दवाई लेनी है खाने से एक घंटा पहले, यानी वन हर बिफोर मील, खाना खाने से एक घंटे पहले आपको दवाई खानी है। तो इस तरह कुछ इंडिकेशन यहाँ पे शो करता है, इसको हमने हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला मिलता है। सेकंड अगर आपको ये मिलता है तो सीधा इसका अपोजिट हो गया, आप देख रहे हैं ना खाना इसका मील्स हमारा इधर आ गया और हमारा जो पर्सन है वो यहाँ पे इधर पहुँच गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेक वन हर आफ्टर मील, यानी खाना खाने के एक घंटे बाद आपको यहाँ पे दवाई खानी है, तो ये हमारा कुछ इंडिकेट करेगा। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारे डायग्राम है। अब देखिए क्या है हमारे एक चित्र है, यानी पिक्टोग्राम है, चित्रलेख है, तो आपको क्या करना है नॉर्मली बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करना है, आप फार्मेसी कर रहे हैं इतना कॉमन सेंस तो आपके पास है। नॉर्मल क्या होता है जो हमारे पिक्टोग्राम है हमारे चित्र है यही हमें बता देते हैं हमें क्या करना है, तो इसके अंदर क्या करना है वन से टू लाइन आपको लिखनी है, तो ईजी हमारे सारे के सारे, बस आपको समझना है रट्टाफिकेशन वाला इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर आप नॉर्मल देख सकते हैं भाई क्या है यहाँ पे जो हमारा एक तरह से बंद है, यानी हमारे टू डायग्राम यहाँ पे बन के आ जाते हैं हम देखें तो, तो एक में क्या कर रहा है भाई दिन में सूरज निकल रहा है और हमारे चांद सितारे यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, ये नॉर्मल रात को निकलते हैं, तो सीधा सीधा हम समझ सकते हैं टेक टू टाइम ए डे, यानी क्या करना है दवाई को हमें दो टाइम लेना है, तो सुबह में जब सूरज निकल रहा है सीधा 10 बजे 9-10 बजे के टाइम, और रात में क्या करना है हमें नॉर्मली उसको लेना है जैसे 8 बजे 9 बजे इस तरह से, यानी एक दिन में दो बार हमें दवाई को लेना है,
ये हमारे नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ यहाँ पर हम समझ देते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे एक पर्सन आपको दिख रहा है जो हैंड से दवाई खा रहा है हाथ से, लेकिन यहाँ पे फोर आपको दिख रहे होंगे यानी फोर टाइम, तो नॉर्मली हम समझ सकते हैं। यानी थ्री टाइम हमारा सूरज यहाँ पे दिख रहा है, यानी क्या करना है, नॉर्मल मान लीजिए सुबह को आपको 7 बजे ले ली खुराक आपने, एक दोपहर में 1 बजे ले ली, एक शाम में आपने 4-5 बजे ले ली, और जो हमारी फोर्थ है वो आपने 8-9 बजे ले ली। इस तरह से यानी हमारी फोर डोज में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, थ्री टाइम आपको दिख रहा होगा यानी 3 बार आपको दवाई को लेना है, जैसे 2 बार दिन में लेना है, 1 बार आपको रात में लेना है, यानी टेक 3 टाइम्स इन ए डे, दिन में 3 बार। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं भाई, एक पर्सन है हाथ से दवाई खा रहा है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं टेक बाई माउथ, यानी मुंह के थ्रू क्या करना है आपको, हैंड से इस दवाई को खाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, हमारे बॉक्स रखा हुआ, RX लिखा हुआ है सीधा सीधा, यानी हमारी ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारी दवाइयाँ हैं, तो मेडिकेशन है सीधा, इसके ऊपर हमारा क्या भी यहाँ पे क्रॉस का निशान है, तो हम सीधा कह सकते हैं डू नॉट स्टोर नियर हीट और इन सनलाइट। ये जो हमारी क्या है, दवाइयाँ हैं, कंटेनर है, इसको आपको ना ही तो हीट के पास रखना है, साथ ही में ना ही आपको सनलाइट में रखना है, क्योंकि कुछ हमारे हीट सेंसिटिव होते हैं, कुछ हमारी क्या होती है लाइट सेंसिटिव होती हैं, इनके कॉन्टैक्ट मान के रिएक्शन कर लेती है, ख़राब हो जाती है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नॉर्मल क्या है, हमारा प्लेट चम्मच आपको दिख रहा है, खाना है, साथ में एक पर्सन है, तो क्या करना है टेक विद मील्स, यानी क्या करना है आपको खाने के साथ ही उस दवाई को खाना है, ये इस पर एक तरह से शो हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चिन्ह क्या दिख रहा है भाई, ये नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही जगह पर, जहाँ पर जैसे हमारे बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, यानी जो हमारे हैंड है, हैंड वॉश करना आपको नॉर्मल दिख रहा है, तो ये आप समझ लें। अभी आप हैंड वॉश कब करेंगे, मान लीजिए कोई क्या है आपके पास ईयर ड्रॉप है कान में डालने वाली, आप क्या कर रहे हैं कान में ईयर ड्रॉप डाल रहे हैं, तो उसके डालने के बाद क्या करना है आपको हैंड को वॉश कर लेना है, यानी डालने से पहले आपको वॉश करना है जिससे बैक्टीरिया वगैरह कान के अंदर आपके ना आ जाएँ, और डालने के बाद भी आपको वॉश कर लेना है। ऐसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है वॉश हैंड और प्लेस ड्रॉप इन ईयर और वॉश हैंड अगेन, यानी दवाई डालने से पहले, दवाई डालने के बाद आपको हाथ यहाँ पर क्या करने हैं, यहाँ पर वॉश करने। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए सिमिलर पैटर्न रहेगा, पहले आपको हाथ धोने हैं, उसके बाद क्या करना है, ऐसे आपकी नेजल ड्रॉप वगैरह होती है वो आपको डालनी है, उसके बाद डालने के बाद फिर आपको हाथ धो लेने, इस तरह से हमारा कुछ ये है जो यहाँ पे नॉर्मल लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे क्या होता है हमारा वॉश हैंड और इंसर्ट इन टू वेजाइना और वॉश हैंड अगेन, देखिए क्या होता है कुछ हमारा लाइक हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स वगैरह होती है नॉर्मली फीमेल्स के थ्रू यूज़ की जाती है, तो अगर ऐसा कुछ है तो क्या भाई हाथ पहले भी धोने हैं, उसको यूज़ करना है, बाद में भी क्या करना है हैंड को वॉश करना है। तो देखिए कुछ ये क्या है हमारी इस तरह की इंट्रैक्शन, एक तरह से हमारे कुछ पिक्टोग्राम्स होते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये देखें नॉर्मली आपको चमक रहा होगा क्या है, ये हमारा एक कंटेनर है, इस पर RX लिखा हुआ, यानी हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हमारी दवाई है, ये क्या है एक चिल्ड्रन है, अभी आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पर दवाई उठाता हुआ, तो सीधा सीधा इसका हमें समझ आ रहा है कि हाँ हमें दवाई को बच्चों की पहुँच से थोड़ा सा दूर रखना है, जिससे बच्चे उसको ना उठा सकें, क्योंकि बच्चों को सिर्फ एक ही सूद होती है जब बच्चे छोटे होते हैं, बस उन्हें खाना है, देखते नहीं वो चीज़ खा क्या रहे हैं, तो मान लीजिए आपकी दवाई वगैरह खा गए तो भी क्या हो सकता है वहाँ पर साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, दवाई तो किसी यंग पर्सन ने की है खाली, उसको बच्चे ने कोई बीमारी भी नहीं थी, तो ऐसा हमें नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट स्टोर मेडिसिन, यानी मेडिसिन को स्टोर नहीं करना चाहिए, एक तरह से रखना नहीं चाहिए, वेयर चिल्ड्रन कैन गेट इन, जहाँ पे बच्चे आ सकें, तो ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉर्मली आपको समझ आ रहा होगा ये क्या है, एक पर्सन है जो दवाई खा रहा है। नेक्स्ट हमारे जो क्या है यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं जो एक तरह से नॉर्मली ड्रिंक हमें यहाँ पे चमक रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम समझ सकते हैं डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल वाइल टेकिंग दिस मेडिसन, जब आप इन दवाइयों को खाएं तो जब आप एल्कोहल एक तरह से ड्रिंक ना करें, कुछ महान पर्सन होते हैं ना क्या होता है दवाई खाते हुए भी उनको शराब पीने एक तरह से एल्कोहल ड्रिंक करना है, तो ये एक तरह साइड इफेक्ट कॉज हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। तो नॉर्मल जो हमारे पिक्टोग्राम है ये सीधा सीधा हमें क्या कर रहे हैं इंडिकेट कर रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्शन निर्देश दे रहे हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है और इसी तरह से आपको ये करना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं पिक्टोग्राम, तो क्या एक पर्सन आपको दिख रहा है, दूसरा यहाँ पर पर्सन जो दिख रहा है एक तरह से हाथ पे रहा है मुँह पर, यानी आलस सा महसूस हो रहा है, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको खाने के बाद एक तरह से आलस हो जाता है हमें, तो ये भी आपको एक तरह से वार्निंग दी जाती है, जैसे दिस मेडिसन मे मेक यू ड्राउसी, एक तरह से ये जो हमारी क्या है दवाएं आपको आलसी पूर्ण बना सकती है, यानी आलसी भी आपको बना सकती हैं, कहते हैं ना भाई तू तो आलसी हो गया कुछ काम वाम नहीं करता, तो इस तरह की कुछ कंडीशन हमारी आ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे देखिए मैं नहीं है, ये एक तरह से आपको नॉर्मल पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या है ये आपकी दवाइयाँ हैं, ये आपका रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज है, तो क्या होता है स्टोर इन ए रेफ्रिजरेटर, कुछ हमारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें उन्हें फ्रिजरेटर में भी रखना होता है, यानी जो हमारा रेफ्रिजरेटर नॉर्मली कहते हैं हम उसको, फ्रिज जो सभी घरों में होता है वो नॉर्मली हमारे मेडिकल्स वगैरह फार्मेसी होती है उन पर भी एक तरह से ये होना चाहिए, जो कि एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है उन दवाइयों की। तो ये हमारे कुछ क्या हो गए यहाँ पर पिक्टोग्राम्स हो गए। अब देखिए ये क्या थे, एक तरह से कह सकते हैं हमारे जो चित्र लेखते, आप सोच रहे होंगे सर इतने सारे हम एक तरह से चित्र डायग्राम बना कैसे आएंगे एग्जाम में,
तो आपको क्या करना है, ओनली पिक्टोग्राम की जो डेफिनेशन वगैरह हमने आपको बताई वो आपको याद करनी है, और जहाँ से आपके यहाँ पे डायग्राम स्टार्ट हुए हैं उनको जितने आपके माइंड में आए कुछ हमारे मेन बना देना आप। जैसे कि मेन तो हमारा एक तो ये है जो रेफ्रिजरेटर वाला है, और ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है जिससे कि एग्जामिनर समझ सके बच्चे ने क्या लिखा है, बच्चे को पता भी है नहीं, ओनली डायग्राम बना दिए। कुछ हमारे यहाँ पे जैसे खाने से पहले खाने के बाद में, इस तरह के 6 से 7 डायग्राम नॉर्मल इजी इजी वाले आप बना दें, एग्जामिनर समझ जाएगा और इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जो आगे का हमारा टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।